नमस्कार दोस्तों, फाइजर एंड बायोटेक की वैक्सीन को यूके ने इमरजेंसी अप्रूवल दिया है और अगले हफ्ते से सोमवार से इसका टीकाकरण शुरू हो जाएगा। इसके बारे में जानकारी आ रही है कि जो बड़े बड़े हॉस्पिटल से वहाँ वैक्सीन शिफ्ट की जाएगी, क्योंकि वहाँ स्टोरेज की फैसिलिटी है। इस वैक्सीन को जो है -70 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टोर करना पड़ता है और इस वैक्सीन का टीकाकरण अगले हफ्ते से शुरू होने वाला है। तो इंग्लैंड ने ऐसा क्या किया कि इन्होंने सबसे पहले फाइजर एंड बायोटेक को जो है परमिशन दे दी, अप्रूवल दे दिया, और अभी तक USFDA या यूरोपियन यूनियन की इस वैक्सीन को परमिशन नहीं मिली है। शुरुआत में दोस्तों, यूके में जो केसेस है कोरोना वायरस के काफ़ी ज़्यादा है। सरकार ने शुरू में जो है हर्ड इम्यूनिटी की बात कही, लेकिन जब केसेस बढ़ने लगे और ज़्यादा संख्या में डेथ होने लगे तो सरकार ने अपनी स्ट्रैटेजी बदली। इसके वजह से सरकार पर काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ, तो सरकार ने काफ़ी सारा पैसा जो है वैक्सीन डेवलपमेंट के काम में झोंक दिया। जो कंपनीज है, लीडिंग कंपनीज, उनके साथ जो है डील स्ट्राइक की। इसके साथ साथ उन्होंने अक्टूबर महीने से क्या किया कि जो MHRA है, रेगुलेटर्स है, वो लोग रोलिंग रिव्यू करना शुरू किया। इसके बारे में हमने अक्टूबर महीने में वीडियो बनाया था कि इंग्लैंड ने जो वैक्सीन्स का रोलिंग रिव्यू शुरू किया है। तो जो कंपनीज इसके ट्रायल्स कर रहे हैं उसका जो डेटा रहता है उसी समय रेगुलेटर्स के पास पहुँच जाता है। तो जो डेटा है उसका इफिकेसी है, साइड इफेक्ट्स है, ये पूरी जानकारी रेगुलेटर्स को साइमल्टेनियसली मिलती रहती है। तो इसके वजह से जो अंतिम नतीजा है फाइजर वैक्सीन के, तब तक जो रेगुलेटर्स थे उसकी नज़र थी, जो डेटा को एनालाइज कर रहे थे। तो जब फाइजर ने इसका एप्लीकेशन दे दिया अप्रूवल के लिए, तो रेगुलेटर्स के पास वैक्सीन की काफ़ी जानकारी थी और इसकी वजह से ये जल्दी इसको अप्रूवल दे पाए। जो MHRA है, मेडिसिन एंड हेल्थ प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी इंग्लैंड, इन्होंने इसको अप्रूवल दे दिया और अभी आने वाले हफ्तों में इंग्लैंड में इसका टीकाकरण शुरू होने वाला है। दोस्तों, अभी तक यूरोपियन यूनियन और USFDA ने इसको अप्रूवल नहीं दिया है, क्योंकि उनका डेटा का रिव्यू चल रहा है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में इसको वहाँ भी अप्रूवल मिल जाएगा। क्योंकि एक बार यूरोपियन यूनियन अप्रूवल देती है तो पूरे यूरोप में इसके डोज इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसके बाद जो मॉडर्ना की वैक्सीन है इसको भी अप्रूवल मिलने का लगभग तय हो गया है। तो अभी दुनिया के पास काफ़ी वैक्सीन के डोसेस आएंगे, तो दुनिया के पास आने वाले दिनों में काफ़ी कंपनीज के वैक्सीन डोज मिलेंगे। इसके वजह से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जा सकता है। दोस्तों, इसके अलावा आपका कोई सुझाव है या सवाल है उसे कमेंट बॉक्स पर लिखना ना भूलें। धन्यवाद।